जोहार जय मूल निवासी, मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MNTV। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी से निष्कासित स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। हालांकि उनके वकील जावेद अली का कहना है कि उनके मुवक्किल खुद दिल्ली दंगों से पीड़ित हैं और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के साथ हुसैन का जो कबूलनामा संलग्न किया है वह स्वीकार्य नहीं है। इस कबूलनामे के संदर्भ में अली ने कहा, इस तरह के इकबालिया बयान संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने से पहले पुलिस द्वारा लिखे और टाइप किए जाते हैं, उनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। उन्होंने कहा, कानून की नज़र में CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया इकबालिया बयान ही स्वीकार्य है। वे कहते हैं, ताहिर हुसैन ने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। हुसैन ने हमेशा कहा वह खुद दिल्ली दंगों से पीड़ित हैं। नेहरू बिहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों के दौरान IB के कर्मचारी अंकित शर्मा के अपहरण और हत्या का मामला भी दर्ज है। पुलिस ने उन पर दंगा भड़काने और आगजनी का मामला भी दर्ज किया है, क्योंकि दावा है कि खजूरी खास में उनकी घर की छत पर से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। हुसैन ने खुद को बार बार निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि उनके घर से किसने आसपास के इलाकों में हमले किए। हुसैन ने यह भी कहा कि इस मामले में उन्हें फंसाने में भाजपा नेता कपिल मिश्रा का हाथ है। हालांकि पुलिस हुसैन के इनकार करने के बाद भी उस पर लगाए गए आरोपों पर कायम है। जावेद अली कहते हैं कि हुसैन द्वारा बताए गए सिलसिलेवार घटनाक्रम की शुरुआत से यह स्पष्ट था कि जब उनके घर का इस्तेमाल शरारती तत्वों ने हमले के लिए किया तब वह घर पर नहीं थे। ताहिर को IB अधिकारी की हत्या दंगा मामले में गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में द वायर ने हुसैन का पक्ष भी सबके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह किस तरह से बार बार पुलिस से मदद की मांग कर रहे थे और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन करने के बाद उसी शाम पुलिस उनके घर पर पहुंची, जिसके बाद वे वहां से चले गए थे। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो हुसैन और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि वो अगले दिन अपनी पत्नी के साथ घर लौटे और पुलिस के वहां मौजूद होने पर दोबारा लौट गए। हुसैन ने कहा, पुलिस के जाने के बाद परिसर पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। इस मामले में 3 जून को दायर चार्जशीट में पुलिस ने हुसैन और 9 अन्य पर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेश इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया कि एक परिचित खालिद सैफी के जरिए ताहिर हुसैन 8 जनवरी को शाहीन बाग में PFI ऑफिस में उमर खालिद से मिले और वहीं पर दिल्ली में दंगों की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक हुसैन अपने राजनीतिक अहदे और पैसे के दम पर हिंदुओं को सबक सिखाना चाहते थे। इससे पहले दर्ज चार्जशीट में कहा गया कि इन तीनों ने 8 जनवरी की मुलाकात में यह फैसला किया था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का इस्तेमाल भारत सरकार को शर्मिंदा करने के लिए करेंगे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ट्रंप के भारत आने की आधिकारिक सूचना 13 जनवरी को जारी की गई। दिल्ली पुलिस के खुद के आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में मारे गए 53 लोग मुस्लिम थे और दंगों में नष्ट हुए 80% से अधिक दुकानें और घर मुस्लिमों के थे। अब प्रश्न उठता है, क्या ताहिर हुसैन ने अपने ही लोगों को मारने के लिए दंगों का प्लान किया था? दरअसल इस पूरे मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, लेकिन उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। या यूं कहा जा सकता है कि दिल्ली दंगों का पूरा प्लान SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में लड़ाकर उन्हें हिंदू बनाकर अधिकार वंचित करने का था, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब जब इस देश में SC ST OBC में अपने अधिकारों के लिए जरा सी भी जागृति आती है तो उन्हें हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझा दिया जाता है, जिससे उनके मौलिक मुद्दे गायब हो जाते हैं।